हेलो फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप कि अच्छे होंगे। आज मैं खाने में बनाने जा रही हूँ भिंडी, जिसे मैंने धो के पहले ही रख दिया था और अच्छे से पानी इसका निकल चुका है। और ये कोलमी साग है। आप लोग जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप इस साग को क्या कहते हैं, क्योंकि मुझे इसका दूसरा नाम नहीं पता है। और ये चने की दाल है, जिसे मैंने पहले ही भिगो के रख दिया था एक घंटा पहले। और ये घिया, तो आज मैं ये सब खाने में बनाने वाली हूँ, तो देखिए जरूर आप पूरी रेसिपी। तो यहाँ मैंने सरसों का तेल गरम किया है कढ़ाई में और डाल दिया है अजवाइन। और ये भिंडी है, तो सबसे पहले मैं बनाने जा रही हूँ प्याज वाली भिंडी। और भिंडी डालने के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी एक चम्मच हल्दी, स्वाद के अनुसार नमक। तो यहाँ पे हल्दी और नमक डाल के ना इसको पहले हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से, और फिर मैं इसमें मिलाऊंगी ढेर सारी प्याज। तो जब तक ये फ्राई हो रही है, तो सोचा चलो जब तक मैं घिया चने की दाल भी चढ़ा देती हूँ कुकर में। तो आज मैं घिया चने की दाल जो बनाऊंगी वो कुकर में ही बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है कुकर में। और यहाँ मैंने जो घिया था उसको बड़े बड़े क्यूब में कट कर लिया है इस तरीके से, और इसको धो के रख दिया है। तो एक तरफ तो मैं भिंडी फ्राई कर रही हूँ, और एक तरफ मैंने कुकर में डाल दिया है सरसों का तेल 2 बड़े चम्मच करीब। और ये घिया है जिसको मैंने इस तरह से कट करके रखा है और धो भी दिया है। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाएगा कुकर में, तो मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच करीब जीरा, और एक टुकड़ा डाल दूंगी तेज पत्ते का। और लहसुन कट करके रखा था मैंने, वो डाल दिया है। 2 प्याज कट करके रखा था, वो डाल दिया है। लहसुन और प्याज को हल्का ब्राउन होने तक इसको भूनेंगे। और मैं इसमें अब डाल दूंगी 1 टुकड़ा अदरक, तो इसको भी मैं ग्रेट करके डाल दूंगी। और इसके बाद इसमें हम टमाटर मिलाएंगे, तो जब तक मैं थोड़ा भिंडी देख लेती हूँ। तो यहाँ मैंने भिंडी में ढेर सारी जो मैंने प्याज बताई थी ना, मैंने कम से कम 5-6 प्याज मैंने कट करके रखा था, वो डाल दिया है। और इसमें मैंने डाला है 1 चम्मच करीब लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, आमचूर पाउडर और 2 टमाटर। अब इन सबको अच्छे से मिलाने के बाद ना मैं इसको ढक दूंगी, ताकि अच्छे से प्याज सॉफ्ट हो जाए और टमाटर गल जाए। और यहाँ मैंने कुकर में डाल दिया है 2 बड़े टमाटर कट करके, मसाले मिला दिए हैं सारे। और इसके बाद इसमें मैंने मिला दिया है चने की दाल, जो मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटा पहले। साथ में मैं इसमें मिला दूंगी घिया, जिसे मैंने कट करके रखा था। मसाले में मैंने सिर्फ मैंने मिलाया है लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, और 1 चम्मच मैंने देसी घी भी डाला था इसमें। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 गिलास करीब पानी। और इसके बाद इसमें ना कम से कम 7-8 सीटी लगानी है इसमें, तो इसको हम अभी एक तरफ रख देंगे सीटी लगाने के लिए। और यहाँ मेरी भिंडी जो है बनके रेडी हो चुकी है, और आप देख सकते हैं बहुत टेस्टी बनी थी और कलर भी बहुत प्यारा आया हुआ था। तो ऐसी भिंडी आप जरूर बना के देखिएगा। और यहाँ पे भिंडी तो बन चुकी है, और अब मैं बनाऊंगी कोलमी साग। तो साग के लिए मैंने यहाँ पे तेल गरम किया है, कलौंजी डाली है, 2 साबुत लाल मिर्च डाली है, और 2-3 लहसुन कट करके रखा था वो डाल दिया था, और प्याज 2 कट करके रखा था मैंने वो डाल दिया। लहसुन और प्याज को जब अच्छे से ब्राउन कर लेंगे हम लोग, तो इसमें मैं अब मिलाऊंगी साग। तो ये जो साग है कोलमी साग, इसे मैंने दराती से काट के रखा है, बारीक काट के रखा है। और मैंने इसमें 4-5 हरी मिर्च भी काट के रखा हुआ था। और इसमें सिर्फ मसाले में कुछ नहीं, सिर्फ डालना है हल्दी और नमक स्वाद के अनुसार। तो हल्दी नमक डालने के बाद ना इसको मैं अब ढक दूंगी कम से कम 5 मिनट के लिए। तो जितना साग आपको दिख रहा है ना, ये आधा हो जाएगा, क्योंकि ये सारा साग जो है वो नरम पड़ जाएगा अभी। और ये देखिए साग कितना कम हो गया है, और ये हमारा साग आधा पक चुका है। और अभी मैं गैस को तेज करके अच्छे से फ्राई कर लूंगी। और यहाँ पे देखिए घिया चने की दाल मेरी बनके रेडी हो चुकी है, और जैसे मैंने कुकर खोला ना, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। तो यहाँ मेरा खाना बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है, सब चीजें बन चुकी है। तो आइए मैं दिखा देती हूँ क्या क्या बन गया है। यहाँ बन गई है प्याज वाली भिंडी, साथ में मैंने बनाया है कोलमी साग और घिया चने की दाल। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी, जरूर बताइएगा कमेंट में।